हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैपी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ओवरलोडिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, प्रोग्राम डिस्कस किया था, वो किस पर था? ओवरलोडिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल है देन उससे पहले इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, वो होता है प्रीफिक्स, मतलब पहले, और इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस। अब जो हम रीड करने जा रहे हैं उसके अंदर है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है पोस्ट मीन्स बाद में, फिक्स मीन्स फिक्स करना, मतलब जैसे यह वेरिएबल है इसके बाद में फिक्स करना, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट। जिस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर ओवरलोड कर रहे हैं उसी तरह से हम डिक्रीमेंट पर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूनरी ऑपरेटर पर काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरलोड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, किस तरह से हम पोस्ट फिक्स को इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था वो प्रीफिक्स था। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, तभी आपको ये वीडियो और जल्दी समझ में आ सकती है, बिकॉज उसके अंदर भी ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर किया गया था। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हम प्रोग्राम लिखते हैं जो बेसिक होती है, तो सबको पता है क्या लिखनी है हमें, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, एंड सेकेंड नंबर पर क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। ये दो हेडर फाइल्स तो हमें ऐड करनी ही करनी है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो आपको यूज करनी है, डेट इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देन सेमीकोलन। ये लाइन आपको इस हेडर फाइल के इंक्लूड करने के बाद लिखनी है, जिससे क्या होगा, एसटीडी में जो भी स्टैंडर्ड में जो भी आप यूज करना चाहते हो किसी भी कीवर्ड को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, तो उसको यूज करने के लिए आपको हर बार एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन देन एंडल एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट इस तरह से नहीं लिखना होगा। एक बार अगर आपने उसको बता दिया ना कि आप यूज कर रहे हो एसटीडी का इस पूरे नेम स्पेस में जहां पर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वहां पर आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार लिखा उस पर्टिकुलर इस एक लाइन से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हो इस पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखा जाता है, जब दोनों हेडर फाइल जो है इंक्लूड हो जाती हैं उसके बाद इसको लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और एक क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स नाम से। क्या रखा हमने नेम क्लास का, कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर क्लास का नेम है। देन यहां से क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, इंट रियल एंड इंट इमेज, दो हमने यहाँ पर डेटा मेंबर्स बनाए और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, इमेज भी और रियल भी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, डेटा मेंबर्स नहीं है, और दोनों किस स्पेसिफायर के अंडर में आते हैं, प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पब्लिक का काम, जो भी आप इस एक्स स्पेसिफायर के अंडर में लिखोगे पब्लिक के, उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकता है, ठीक है। मेन फंक्शन से भी आप इसको इजिली कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे। तो हम मोस्टली जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या ओवरलोड करते हैं तो उसको हम मोस्टली पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। डिफाइन तो हम बाहर जाकर करते हैं क्लास से, बट डिक्लेयर हम उसी में करेंगे, ओके। अब जैसे यहाँ पर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, आई होप कि आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, क्योंकि उसके अंदर भी मोस्टली सेम ही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास ली है, वहां पर भी हमने कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास ली थी, यहाँ पर भी हमने दो कंस्ट्रक्टर लिए हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, और उस पैरामीटराइज के अंदर से दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, वो भी सेम उसमें हो रहे थे, तो मतलब मोस्टली सेम ही है। अब यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स नाम से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका क्या काम रहेगा वो भी डिफाइन नहीं किया गया, अभी सिर्फ हमने यहाँ डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर बाय चांस हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे या कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डेट इज वन, तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर क्या है, हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, किस नाम से, कॉम्प्लेक्स नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ना ही डिफॉल्ट का कोई रिटर्न टाइप था, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर इसके अंदर हमने क्या किया कि जो ए की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर पैरामीटर इंट ए में और इंट बी में, जो ए की वैल्यू मिलेगी उसको हम रियल में डाल देंगे और जो बी की वैल्यू मिलेगी उसको हम इमेज में डाल देंगे, इमेज डेटा मेंबर में। यही काम करेगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कि यहाँ से मेन फंक्शन से तो यहाँ पर वैल्यू गेट कर लेगा ए और बी, ए आर को दे देगा मिस रियल को और इंट जो है वो आई मिस इमेज को दे देगा। अब यहाँ पर बी को भी वैल्यू मिल गई और रियल को भी वैल्यू मिल गई, देन क्या हुआ, हमने एक डिस्प्ले नाम से
मेंबर फंक्शन बनाया, उस मेंबर फंक्शन का जो टाइप दिया हमने रिटर्न टाइप, वो हमने वॉइड दिया। यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर्स को गेट नहीं कर रहा या सेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी इसका पैरामीटर क्या है, वॉइड। जिसको आप लिखो या ना लिखो सेम बात है। अब इसने कुछ नहीं लिखा, देन ये सिंपल फंक्शन को कॉल करेगा, कोई पैरामीटर पास नहीं करेगा। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, से आउट करेगा रियल और इमेज की वैल्यू को, बट एक अलग फॉर्मेट में। जिस तरह से इसने प्लस ऑपरेटर साथ में लगा कर दिया, उस फॉर्मेट में करेगा। जैसे आपने मैथ्स में फॉर्म देखा भी होगा, हमने लिखा होता है 2 + 3 iota, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। तो बस आपको यही वैल्यू को पास करवाना होता है। आप ये दोनों वैल्यू दोगे, डिस्प्ले फंक्शन इस फॉर्मेट में पास करेगा। आपने 2 और 3 वैल्यू दी, तो वो उसको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यही इस पूरे फंक्शन का काम है कि इस फॉर्मेट तक उसको पहुंचाना और ओवरलोड करना पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। बट लास्ट में उसको वैल्यू जो है यही मिलेगी जो वो डिस्प्ले करवाएगा। इस डिस्प्ले फंक्शन में जो वैल्यू आएगी ना डिस्प्ले करवाने के लिए, वो 2 और 3 आएगी। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 लिखेगा, प्लस का सिंबल लगाएगा, फिर इमेज की वैल्यू मिस जिसके साथ आयोटा चलेगा उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है, इस फॉर्म में। फिर यहाँ पर हमने जो मेन फंक्शन जिसके ऊपर हम इतना प्रोग्राम बना रहे हैं, वो ये कौन सा फंक्शन आता है, ये एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन भी कौन सा है, ओवरलोडिंग का, जिसके थ्रू हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो सिंपल है, ये तो सेम ही सिंटैक्स रहेगा। देखो सबसे पहले यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या है, रिटर्न टाइप है। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर कीवर्ड है, जो हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि हमें ऑपरेटर तो लगाना पड़ेगा, ये एज अ कीवर्ड ऐसे ही रहेगा सेम। ओपी क्या होता है, सिंबल, जो भी हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं उसका सिंबल हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। हम इंक्रीमेंट को करना चाहते हैं, इसके लिए तो अभी कोई पोस्ट फिक्स नहीं है, वो तो हमारी मर्जी, हम उस पर कैसे ओवरलोड कर रहे हैं। इसको सिर्फ अभी सिर्फ इतना बता दो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आगे लगेगा पीछे लगेगा वो बात की बात है, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, और यहाँ पर अगर कुछ हम पैरामीटर पास करना चाहते हैं, देन ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये है पैरामीटर्स। यहाँ क्लास बंद हो गई, यहाँ पर क्लास जो है वो क्लोज हो गई। उसके बाद अब क्लास से बाहर आकर इस स्पेशल जो मेंबर फंक्शन है ओवरलोडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसको बाहर जाकर हम डिफाइन करेंगे। कैसे, सबसे पहले क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप है। फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लास का नेम है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कीवर्ड है जो हमें लगाना पड़ता है। ओपी वही सेम वापस से उस ऑपरेटर का सिंबल है जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं। इंट एक्स जो है वो आर्ग्यूमेंट है, या कहीं इसको आप पैरामीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। काम क्या कर रहा है, काम इसका ये है, ये क्या करेगा, जो भी रियल के पास वैल्यू आएगी, सपोज करो कि अब तक रियल के पास वैल्यू आई है 2 आई है या 1 पास की है हमने, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, वैल्यू मिली है अब तक रियल को 2 मिली थी ना, पर वो तो हमें डिस्प्ले करवानी है, तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे 1, ठीक है। मीन्स रियल की वैल्यू है 1, तो 1 को प्लस प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी रियल की, 2। फिर इमेज, इमेज की वैल्यू भी कितनी है, 2, इसके अंदर प्लस प्लस करेंगे वैल्यू को 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ऐसे ही रियल की वैल्यू हो गई 2 और इमेज की वैल्यू हो गई यहाँ पर आकर 3, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया था, 1 और 2। सपोज करो अभी एग्जांपल हमने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हम मेन फंक्शन में से पास करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक फंक्शन बताने के लिए कि काम क्या कर रहा है, इसलिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। फिर ये क्या करेंगे, हम दिस पॉइंटर के थ्रू, अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियोज में दिस पॉइंटर किया था, तो दिस पॉइंटर के थ्रू हम इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। दिस पॉइंटर क्या काम करता है, जो उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है उसी के एड्रेस को रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन जो है स्टार्ट हो गया। ये हमने कॉम्प्लेक्स से ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिए। पैरामीटर पास किए तो ये जो ये हमारे पास 5 है, ये किसके पास जाएगा, ए के पास, और जो 10 है ये जाएगा बी के पास। फिर ए से जाएगा ये आर के पास, और बी से जाएगा ये आई के पास, ठीक है, चला गया। अब आर की वैल्यू हो गई 5 और आई की वैल्यू हो गई है 10, इसको डिस्प्ले करवाओ। डिस्प्ले कैसे करवाएगा वो, 5 + 10 iota। फिर यहाँ पर आकर हमने C++ कर दिया, इसका मीन्स जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो ओवरलोडिंग वाला फंक्शन था, ओवरलोडिंग का जो फंक्शन था वो कॉल हो गया, ठीक है। इसके कॉल होने के बाद क्या हुआ, जो हमने करना था ना कि रियल में प्लस प्लस कर दो, इमेज में प्लस प्लस कर दो एक एक वैल्यू, वो हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 के प्लेस पे आ जाएगा 6 जब नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करेंगे, और 10 के प्लेस पर आ जाएगा 11 iota। गेट सी एच एन, देन यहाँ पर फंक्शन जो है प्रोग्राम क्लोज। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, ओवरलोड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।